आज मेरे मम्मी पापा का सम्मान देके बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से स्टेज पे आ पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, पर आज वो सब हमें मौका मिल रहा है सेफ सॉप की वजह से। थैंक यू मम्मी पापा जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक यू सो मच मम्मी पापा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं और हमारा डायमंड शिप को देखने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को अभिनंदन। हमारे ग्रेट गुरु यहाँ मंच के सामने बैठे हुए हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पापा जी को इतनी सद्बुद्धि दी और इस बिजनेस में उस मुकाम पर पहुँचा दिया जिस मुकाम पर सब लोग जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वो स्टेज है जिस स्टेज के लिए सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो स्टेज यहाँ पाना चाहते हैं, वो स्टेज है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पापा जी जब डॉक्टरी किया करते थे तो दोस्तों ये पास ही के गांव में किसी गांव में रहा करते थे, वहाँ क्लिनिक चलाया करते थे, तो इनका लिमिटेशन होता था, एक दिन, दो दिन, आठ दिन, दस दिन, पंद्रह दिन में ये घर तो आया ही करते थे। बट दोस्तों, जैसे ही शेफ शॉप का इनको मौका मिला, बिजनेस ज्वाइन किया, इनका लिमिटेशन बढ़ गया। ये एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, दोस्तों छः छः महीने तक हमारे घर नहीं आ पाते थे। हम सोचते थे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या होगा दोस्तों, ऐसा हमें लगने लगा था। पर आज हमें महसूस हुआ कि हाँ, यही वो दिन था जिसके लिए मेरे पापा जी मेहनत किया करते थे, यही वो दिन है जिसके लिए वो मेहनत किया करते थे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे पापा की तरह मेहनत करो और इस स्टेज को पाओ। गो डायमंड। धन्यवाद। मैं अपनी खुशी के बारे में तो बता नहीं सकता, बट वो थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा पापा को जिन्होंने इतनी मेहनत करके डायमंड से हासिल की। एंड सेकंड, हमारे विनोद सर जिन्होंने पापा का कदम से कदम मिलाकर हाथ वो डायमंड सब पाने में बड़ा योगदान रहा। एंड थर्ड, हमारी प्यारी टीम जिन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। एंड थैंक यू। हाँ, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया, खूब आनंद हो। सब सबको आनंद आशीर्वाद देता हूँ और मेरे बेटा को खूब आशीर्वाद है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे से कुछ किया नजर आ रहा, किसी के बारे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। आज ये सम्मान लेके हमको बहुत खुशी मिली है। अपलाइन और प्यारी सी टीम को इनका बहुत बहुत योगदान रहा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि डॉक्टरी करते थे अच्छी भली क्या करने लग गए। इन्होंने नहीं मानी, फिर ये मैं बार बार इनको परेशान करती थी। ये सत्यन सर विनोद सर को घर पे लाए थे, फिर इन्होंने मेरे को समझाया। जब मेरे को समझ में आया फिर एक दफे यहाँ आगरा लेके आए। ये आगरा में आके सम्मान इन्हें यहाँ देखे आ गए, सम्मान होया इन्हीं को, मेरा भी सम्मान होया, तो इसी मेरे को बहुत खुशी मिली। जब से मैंने सोच लिया कि आप डॉक्टरी छोड़ दो, आप इस बिजनेस को करिए, इसमें बहुत सम्मान मिलता है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा आदर मिलता है। आप जितनी लेडीज बैठी हैं उनसे कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने मेरे पति का सपोर्ट करा, ऐसा आप भी आपके पति का सपोर्ट करें तो आप भी ऐसे जैसे आज हम इस लायक बने, आप भी इस लायक बनेंगे। आपको धन्यवाद।